युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर और जिला युवा कांग्रेस प्रवक्ता डिंपल शर्मा द्वारा गांधी भवन मंडी में संयुक्त पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि अभी हाल ही में भाजपा विधायक एवं पूर्व सरकार में रहे मंत्री विक्रम ठाकुर व उनके कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग करते हुए नारेबाजी की गई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय घटना है। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो अपने संगठन के कार्यकर्ताओं की ऐसी हरकत पर उन्हें रोकने टोकने के बजाय हंस रहे थे। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति ऐसे नेताओं की वजह से खराब होती जा रही है। आज भाजपा का महिला मोर्चा कहाँ है, जो लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते रहते हैं। राजेंद्र ठाकुर ने भाजपा विधायक पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो विधायक रेप केस में आरोपी बाबा राम रहीम से शिक्षा लेता हो, उसके कारनामे ऐसे ही हो सकते हैं। भाजपा महिला मोर्चा पर तीखा हमला करते हुए प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारियों की अगर गलती से भी जुबान फिसल जाती थी तो उस पर भी राजनीति करते हुए पूरे प्रदेश भर में भाजपा महिला मोर्चा तांडव कर देता था, लेकिन आज जब उनकी पार्टी के विधायक ऐसे कार्य में संलिप्त पाए गए हैं तो मूक दर्शक बनकर पूरा भाजपा महिला मोर्चा बैठा है। लेकिन युवा कांग्रेस विधायक जो कुछ चेतावनी देती है कि जब तक वह सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री जी से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक युवा कांग्रेस उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करती रहेगी और अगर जरूरत पड़ी तो विधायक विक्रम ठाकुर का घेराव करने से भी गुरेज नहीं करेगी। हम संवेदनशील बातों को राजनीतिकरण करना ना पहले जानते थे ना अब जानते हैं। हमारा सीधा सीधा दो टूक कहना है कि लिखित में माफी मांगे विक्रम ठाकुर, युवा कांग्रेस अपने कदम पीछे खींच लेगी। लेकिन अगर विक्रम ठाकुर सोचता है कि वो मीडिया के माध्यम से या फेसबुक लाइव आकर के ये कहेगा कि भीड़ आक्रोशित थी, क्रोध में थी, तो युवा कांग्रेस उसका घेराव हर मंच पर, हर स्थान पर, उनके घर तक करेगी। आक्रोशित भीड़ थी तो मर्यादा में रहती। क्या वो कार्यकर्ता आक्रोशित नहीं थे जिन्होंने जयराम ठाकुर को काले झंडे दिखाए और सतपाल सत्ती की अगुवाई में उनको पीट दिया गया? क्या वो क्रोध में नहीं थे? क्या वो इस देश के, इस प्रदेश के, इस समाज के निवासी नहीं थे? तो विरोध का अपना एक स्तर होता है, हर विचारधारा की अपनी एक लड़ाई होती है। विक्रम ठाकुर को अगर अपनी और अपने दल की विचारधाराओं की और परिभाषाओं का ज्ञान नहीं है तो कृपया राजनीति से संन्यास ले और इस तरह की ओछी बातें समाज में ना फैलाए, इस तरह की ओछी राजनीति की तरफ युवाओं को ना धकेले। हमारा सीधा सीधा यही कहना है, यही साफ शब्दों में हम प्रदेश की सरकार के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से विक्रम ठाकुर जी को बता देना चाहते हैं। ये भाजपा की उस विचारधारा को प्रदर्शित कर रहा है जो काफी समय से इस देश में प्रचलित है। मैं 1.25 करोड़ हिमाचलियत के रखवालों को मीडिया के माध्यम से बता दूं कि वही भाजपा है जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर राजनीतिक वोट बैंक की रोटियां सेकती है। सन 2014 इस देश में निर्भया कांड होता है, ये वही भाजपा थी जिसने निर्भया कांड पर रोटियां सेकी, महिला सशक्तिकरण का नारा दिया, कांग्रेस का घेराव किया और देश में सत्ता हासिल की। 2017 हिमाचल में उसी तरीके का एक और वाक्या घटित होता है, गुड़िया बलात्कार से देवभूमि शर्मसार होती है। सीधा सीधा जो आरोप है वो मौजूदा मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी पर लगाया जाता है। भाजपा के द्वारा, भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा भीड़ को आक्रोशित किया जाता है, थाने जलाए जाते हैं, पुलिस की गाड़ियां फूकी जाती है, महिला सशक्तिकरण के नाम पर, महिलाओं के उत्थान पर, महिलाओं के सम्मान पर। ये वही भाजपा है, ये आज की बात नहीं है। जैसे ही सत्ता हासिल हुई गुड़िया के नाम पर एक हेल्पलाइन बना करके छोड़ गई। वो हेल्पलाइन कितनी कारगर हुई ये बात आप जब सुनेंगे आप अचंभित होंगे। सन 2020 से 2022 तक मात्र 2 सालों में हिमाचल प्रदेश में 935 के आसपास बलात्कार के मुकदमे दर्ज होते हैं अकेले देवभूमि हिमाचल में, उस हिमाचल में जिसमें 2000 की सत्ता भाजपा ने महिला सशक्तिकरण के नाम पर हासिल की थी।
ये आज की बात नहीं है। विक्रम ठाकुर तो एक टुच्चा सा नेता है जो तुच्छ और एक छोटी सोच के साथ राजनीति का अपना स्तर लेकर के आगे बढ़ रहा है। ये वही विक्रम ठाकुर है जो चुनाव से पूर्व बलात्कारी बाबा के यहाँ जो 20 साल का सजा प्राप्त बलात्कार का आरोपी राम रहीम जिसको राजनीति की रोटियां सेकने के लिए भाजपा ने बेल पर बाहर निकलवाया, उसके दर पर पहुंच करके नतमस्तक हुआ, ये वही विक्रम ठाकुर है, ये उसकी विचारधारा है। फिर ये कहना कि कार्यकर्ताओं की भीड़ आक्रोशित थी, क्रोध में थी, नारा लगा गई, एक तुच्छे से नेता की स्टेटमेंट हो सकती है। विक्रम ठाकुर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ नेता है, उसे भूलना नहीं चाहिए कि वो क्या दल संभालेंगे, वो क्या मंत्रालय संभालेंगे जो अपने 100 कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रहा है। 4 या 5 मर्तबा वो नारा लगाया जाता है, विक्रम ठाकुर हंसता हुआ नजर आता है, ये उनकी विचारधारा को, उसकी सोच को परिभाषित करता है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए मंडी से हिमांशु अग्रवाल की रिपोर्ट।